मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे दिमाग में अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है कि कहां पर हम दिस का यूज करें और कहां पर हम दैट का यूज करें, या कहां पर हम दीज का यूज करें और कहां पर हम दोस का यूज करें। तो इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करने के लिए और अच्छी तरह समझने के लिए हमने आज इसे फार एंड नियर का नाम दिया है। इसका मतलब है जितनी भी चीजें हमसे पास में होंगी उनके लिए हम दिस या दीज का इस्तेमाल करेंगे, और जितनी भी चीजें हमसे दूर होंगी, जिन्हें हम सिर्फ दूर से देख सकते हैं, उनके लिए हम दैट या दोस का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझते हैं। जैसे ये डस्टर हमारे पास में, दिस इज अ डस्टर, दिस इज अ डस्टर, दिस इज अ डस्टर, राइट। और यदि हमसे कोई चीजें दूर है, जैसे दैट इज अ ब्लैक बोर्ड, उसे सिर्फ हम देख सकते हैं लेकिन हम उसके पास नहीं है और अच्छी खासी एक हमारे और ब्लैक बोर्ड के बीच में दूरी है, तो वहां पर हम दैट का यूज करते हैं। और इसको प्लूरल फॉर्म में समझने के लिए, जैसे ये चौक है, दिस इज अ चौक, दिस इज अ चौक। और अगर यह चौक यहां टेबल पे रखी है और हम दूर हैं, तो हम कहेंगे दैट इज अ चौक, दैट इज अ चौक, मतलब वो हमसे दूरी पर है, हम सिर्फ उसे देख सकते हैं, हम उसके पास नहीं है और ना ही हम उसे छू सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम हर चीज को छुएं तभी हम दिस या दीस का इस्तेमाल करें। तो ये दिस इज अ चौक एंड दैट इज अ चौक। और अगर बहुत सारी चौक्स हैं, जैसे सपोज कि ये इतनी सारी चौक्स हैं, तो इनके लिए, इनके पास हम खड़े हैं, हम पास में हैं, तो इनको बोलेंगे दीज आर चौक्स, दीज आर चौक्स। जरूरी नहीं है कि मैंने छू सकते हैं, इनके पास खड़े हो सकते हैं, तो दीज आर चौक्स। और अगर हम इनसे दूर हुए, हमारे और उनके बीच में अच्छी खासी दूरी है, तो हम कहेंगे दोस आर चौक्स। ठीक है, इस तरह से हम दिस दैट और दोस और दीज में डिफ्रेंशिएट करते हैं, कर सकते हैं। इसी तरह से दिस इज अ मैच बॉक्स एंड दैट इज अ मैच बॉक्स। इस तरह से हम दिस दैट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और जिन चीजों की, जो चीजें हमारे पास होंगी वो दिस या दीज कही जाएंगी, और जिन, जो चीजें हमसे दूर होंगी उन्हें हम दैट या दोस कहेंगे। चलिए अब हम कुछ पिक्चर्स भी ड्रॉ करते हैं, और हमारी बुक्स में, हमारी जो सब्जेक्ट बुक्स हैं, जो इंग्लिश बुक्स हैं, या किसी भी साहित्य की बुक्स है, जैसे हिंदी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, किसी भी लैंग्वेज की बुक्स हैं, तो उनमें जो पिक्चर्स दी होती हैं उनको देखकर हमारे दिमाग में ज्यादा कंफ्यूजन आता है कि पिक्चर्स तो एक ही जगह है, थोड़ा थोड़ी दूरी पे है, तो उन्हें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये चलिए हम कुछ ड्रॉ करके देखते हैं। अब अगर आपकी बुक में बना होती है पिक्चर, तो यहां पर ये पिक्चर बनी होगी फिश की, ओके? और अगर यही सेम फिश अगर यहां पर दैट का इस्तेमाल किया गया होगा, दैट इज अ फिश, तो ये फिश अक्सर इसके कंपैरिजन में जो सेंटेंस लिखा होगा उससे दूर बनी होगी और थोड़ी सी छोटी होगी, क्योंकि दूर से जो भी चीजें दिखती हैं वो अक्सर थोड़ी छोटी दिखती हैं, इस तरह से। और इसी तरह से काइट, दिस इज अ काइट,
ये काइट है, तो ये पिक्चर पास में होगी, और अगर उसके जस्ट नीचे एक सेंटेंस लिखा होगा दैट इज अ काइट, तो ये काइट उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा दूर बना होगा। तो मुझे लगता है कि शायद ये बुक्स में हमारी किस तरह से दिया होता है ये शायद देखकर आपको और ज्यादा आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा, और किस तरह से दिस का प्लूरल दीज हम कहां पर और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कहां पर किस तरह से यूज करते हैं, और कहां पर दोज यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। जब एक चीज होती है तो हम दिस और दैट का इस्तेमाल करते हैं, और जब एक से अधिक चीजें होती हैं जहां पर भी होती हैं वहां पर हम दीज या दोज का इस्तेमाल करते हैं। तो फार एंड नियर, फार में जो चीजें हमसे दूर होती हैं उनके लिए हम एक है तो दैट, और एक से ज्यादा है तो दोज का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई चीजें हमारे पास में है, कोई चीज हमारे पास में है, तो उसके लिए हम दिस या दीज का इस्तेमाल करते हैं। दीज हमेशा प्लूरल, दीज या दोज हमेशा प्लूरल फॉर्म्स हैं और हमेशा प्लूरल के लिए यूज होता है, और दैट और दिस हमेशा सिंगुलर या एक चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ आई होप कि आपका कंफ्यूजन जो इन चीजों को लेकर, जो इनको डिफ्रेंशिएट करने को लेकर, किन चीजों के लिए दैट लगाएं, किन चीजों के लिए दिस लगाएं, किन चीजों के लिए दीज लगाएं, कि कहां पर हम दोस का इस्तेमाल करें, इन चीजों के लेकर जो आपके मन में डाउट था वो हमें आशा है कि अभी बहुत क्लियर हो गया होगा, काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो आप इसी तरह और भी यूज कर सकते हैं,